नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। प्रतिबंधित पान मसाला आदि के उत्पादन एवं भंडारण को रोकने के लिए पोटकंज जिलाधिकारी बालेश्वर राम के नेतृत्व में हल्दी पोखर के कई दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। छापेमारी में हालांकि कुछ बरामद नहीं हो पाया। आपको बता दें कि हल्दी पोखर बाजार में छापेमारी के दौरान अंचल अधिकारी बालेश्वर राम ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि गुटखा, प्रतिबंधित पान मसाला आदि को बिक्री पर पूर्णतः झारखंड सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया है। इसके बाद भी यदि बिक्री की जाती है तो दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पोटका के हल्दी पोखर सबसे बड़ा बाजार होने के कारण यहां अंचल अधिकारी बालेश्वर राम, डॉक्टर निशा कुमारी, कवाली थाना SI संतोष कुमार समेत पूरे दलबल के साथ कई दुकानों पर छापेमारी की गई तथा उनके गोडाउन और दुकानों का कड़ाई से जांच करने के बाद भी कुछ बरामद नहीं हो पाया। प्रतिबंधित है, सेल में प्रतिबंधित, इसीलिए उसकी जांच चल रहा है। पूरे झारखंड को गुटखा प्रयोग के लिए विहित करना है। जो तीन दुकानों में हम रेट थे, एक उनकी में ना, लेकिन सुधार लिया गया है। मधु सर, मधु सिपाही था। सरायकेला खरसावां जिला में बिहार सरकार के समय 1985 में चांडिल डैम बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद भी विस्थापितों को अब तक पुनर्वास स्थल में अपना जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। चांडिल सुरंगरेखा परियोजना को कोपाली ब्लॉक बी एवं ब्लॉक ए में डैम से विस्थापितों के लिए सिंचाई विभाग 34 एकड़ जमीन पर विस्थापितों को पुनर्वास करने के लिए आमंत्रण विस्थापितों को किया गया है, लेकिन यहां पर भू माफिया पुनर्वास स्थल के जमीन को एक मोटी रकम देकर पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों के लोगों को बैठा रहा है। इसके लिए भू माफिया कागज भी बना दे रहे हैं। चांडिल सुरंगरेखा परियोजना का एक नक्शे में लाल रंग वाले प्लॉट अवैध है और हरा और पीला वैध है। विस्थापितों को 2018 में पुनर्वास स्थल कोपाली में पुनर्वास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी चांडिल सरकारी पत्र देकर प्लॉट आवंटन किए हैं, लेकिन यहां पर दबंग लोगों द्वारा आवंटन प्लॉट को पहले से ही दखल कर घर बना लिया गया है। इस पर हमने 4-5 पुनर्वास स्थल का भ्रमण किया है और जो बहुत वर्षों से पर्चा वितरण या आवंटन नहीं हुआ है, इस कारण से जो अवैध कब्जा वाला समस्या है अभी जो का त्यों है। इसके लिए हम लोग एक सूची बना रहे हैं और सूची बनाकर पर्चा निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे। जो सूची बनने के क्रम में जो अवैध दखल का जो सूची रहेगा वो SDO को, DC को सौंपा जाएगा और उनके द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। इसकी तो मैं जांच कराने के पश्चात ही बता सकता हूँ। ये संज्ञान में पहले मरतबे मेरे पास लाया गया है। ये पुनर्वास क्षेत्र क्या ये स्वर्ण रेखा का है? जी, स्वर्ण रेखा का पुनर्वास क्षेत्र है, तो उसको जो अगर इनक्रोचमेंट केस चलाना है तो उसको ही पहल करना होगा, रिविजन उन्हीं को फाइल करना होगा जी। उसके बाद ही ऑर्डर पास किया जाएगा। हेमंत सरकार को पूरी तरह से विफल करार देते हुए भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से करंडी स्थित प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही ज्ञापन राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया, जहां इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में जिले के सांसद विद्युत नारायण महतो समेत पार्टी के जिला स्तर के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। जहां भी राज्य की मांग सरकार को और मोर्चे में विफल करार देते हुए जमकर उन पर निशाना साधा गया। के लिए आज ये बैठक है, ताकि किसान बंधु को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं उसको कोई दिग्भ्रमित ना कर सके। आज इस तरह का कि जमीन लूट लेगा अदानी अंबानी का दूर दूर तक नहीं है। यहाँ जैसे आपका बांस का खेती होता है, यहाँ पर चकुलिया में आपका हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ विभिन्न जगह से लोग आते हैं, बांस का खेती करते हैं। उसमें जो परसेंटेज सही होता वो किसान जमीन मालिक को दे देता है, बाकी बांस लेकर चले जाते हैं। इसलिए जमीन मूलतः मालिक अधिकार जो उपज जो होगा उससे कंटेक्ट होता है, इसको जमीन पर भी करें। इस तरह दिग्भ्रमित वजह कर रहे हैं। इसी तरह आज देखिए झारखंड में साल भर हो गया एस्टिमेट के नाम पर सारा विकास बंद है। आज बिजली का स्थिति चरमराया हुआ है, आज स्वास्थ्य स्थिति भी बहुत स्थिति खराब है। इसलिए आज हम लोग धरना के माध्यम से किसान मित्रों का जो गलत फहमी पैदा हो रहा वो गलत फहमी ना हो, और इसके साथ साथ जो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है उसको भी अवगत करा रहा है। तमार थाना क्षेत्र के कुरकुटा गांव में आज सुबह 5 बजे एक जंगली हाथी का बच्चा कुआं में गिर गए हैं। आसपास के ग्रामीण कुआं के सामने से हाथी के बच्चे को देख रहे हैं। अभी तक वन विभाग घटना स्थल पर नहीं पहुंची है। अपने ग्रुप में चला गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेटनरी डॉक्टर, उसको रेस्क्यू करके इसको ट्रेंकुलाइज करके इसका इलाज किया।
इसलिए बिरसा देवी उद्यान में हम लोग बात करेंगे और डॉक्टर से बात करके इस टीम को भी प्रयास करके निकालने का आज प्रयास करेंगे। जमशेदपुर के करंडी स्थित आदिवासी भवन में झारखंड मोर्चा की इकाई क्रीड़ा मोर्चे के जमशेदपुर प्रखंड समिति का गठन किया गया, जहां प्रखंड के पदाधिकारियों द्वारा मनोनीत सदस्यों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जिले में युवा और खिलाड़ियों के प्रतिभाओं को निखार कर उन्हें मंच प्रदान करने के उद्देश्य से कोल्हान प्रभारी सह केंद्र उपाध्यक्ष बाबू मांझू की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा की इकाई क्रीड़ा मोर्चा के जमशेदपुर प्रखंड कमेटी का गठन किया गया, जहाँ अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष के पद पर युवाओं को जिम्मेदारी दी गयी। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आज की सरकार झारखंड की सरकार ने खिलाड़ियों के लिए जो कार्य किए हैं और जो उनकी मंशा है उनको भी बताया गया है, क्योंकि झारखंड के अंदर खिलाड़ियों के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आए हैं हेमंत जी ने, जिसमें पहला जैसे झारखंड में पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, और नियुक्ति ही नहीं उनका पोस्टिंग भी हो गया है। इसके साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए जो खिलाड़ी राज्य के लिए खेले हैं नेशनल गेम्स में खेले हैं उनकी सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया भी चालू हो गई है, जो झारखंड में पहली दफे ऐसा हो रहा है कि एक खिलाड़ी के खेल के आधार पर उनको नौकरी दी जा रही है। बहरागुड़ा भूतिया पंचायत के चंद्रपुर में बाइक और ट्रक में भीषण टक्कर, एक की मौत। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी आग जलकर हुआ खाक। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई, वहीं बाइक सवार एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, दूसरा गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल भेजा गया। चंद्रपुर के समीप दोनों वाहनों में सीधी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक द्वारा बाइक को लगभग 100 मीटर दूर तक घसीटते रहा। इसके बाद बाइक और ट्रक दोनों में आग लग गई, वहीं बाइक में दो लोग सवार थे जिसकी एक घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जमशेदपुर के जुकसाई नगर परिषद क्षेत्र स्थित गौशाला नाला रोड के निवासी गंदगी में जीवन जीने को मजबूर, जहां क्षेत्र में व्याप्त कचरे के अंबार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जो विभिन्न बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जुकसाई नगर परिषद के कर्मचारियों को शिकायत कर करके लोग थक चुके हैं, परिस्थिति जस की तस बरकरार है। सफाई कर्मचारियों द्वारा नाली से कचरा को बाहर निकाल कर छोड़ दिया जाता है। एक तरफ वैश्विक महामारी में जहां स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्षेत्र की गंदगी कुछ और ही बयां कर रही है। लोगों के अनुसार दुर्गंध और मच्छरों से लोग परेशान है, पर विभाग को इससे कोई सरोकार नहीं है। कचरा जो है साइड में तो फेंका हुआ है, अब जमादार आता है नाली का कचरा को रोड में कर देता है, वो भी कचरा को कोई नहीं उठाता, उस पर कवर कर सकते हैं। वो करीब 10 दिन से है, वो कचरा धीरे धीरे उठते उठते हम लोग का दरवाजा तक आ जाता है। मैंने हम लोग को ऐसा लगता है कि कुछ दिन के बाद या तो कचरा घर में होगा या घर कचरे में होगा। क्या नाम यही समस्या? हमारा नाम मनीष सिंह हुआ। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को जमशेदपुर के किसान आंदोलन समर्थन मोर्चा द्वारा लगातार अपना समर्थन दिया जा रहा है। बुधवार को सियालोट में इनके द्वारा सांची गुरुद्वारा मैदान में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने का समर्थन झामुमो कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां ने किया। धरना स्थल पर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेतागण एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोर्चा के द्वारा कृषि कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गयी। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रोफेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर से प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। बुधवार को गोलबरी गोल्फ कोर्स में इसके उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहे। वैसे 17 दिसम्बर से 20 दिसम्बर तक गोलबरी तथा बेडली गोल्फ कोर्स में इस पूरे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश तथा विदेशों से 126 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा टाटा कॉर्पोरेट के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। की कार्ड को इसकी शुरुआत की गई। इंडिया में बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल निकल रहे हैं और इस तरह के टूर प्रोग्राम जब होते हैं, इस तरह के इवेंट्स जब होते हैं, तो जो ऐसे खास करके आप देखेंगे कैडी से भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं और इसमें कोई संख्या की सीमा नहीं है, असंख्य लोग इससे जुड़ सकते हैं। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के डुमटांड स्थित वाहन चेकिंग ईचागढ़ पुलिस ने 2 हाईवे व 3 ट्रैक्टर एवं 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में वासुदेव सिंह मुंडा, कार्तिक महतो, नीपेन महतो, अबू तालिब अंसारी एवं सुधीर बेशरा शामिल है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। सोमवार को ईचागढ़ के डुमटांड में चेकिंग अभियान के क्रम में एक स्कॉर्पियो स्कॉट करते हुए 2 हाईवे और 3 ट्रैक्टर को लेकर आ रही थी। वहीं डुमटांड मोड़ पर पुलिस को चकमा देकर भाग फरार हो गए।
पीछे से आ रही हाईवा बिना नंबर के 3 ट्रैक्टर को रोका गया, जिसमें सभी में बालू लदा था, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा पकड़े गए वाहन से ई परिवहन चालान मांगा गया तो नहीं दिया गया। पकड़े गए 5 गाड़ियों के 4 चालक व 1 सहचालक को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जमशेदपुर के परसुडी के जानोगुड़ा निवासी प्यारे कश्यप के बैंक अकाउंट का फर्जी चेक बनाकर साइबर ठगों ने 9 लाख रुपए की ठगी कर ली। प्यारे कश्यप एक रिटायर्ड टीचर है। ये रुपए उनके पूरे जिंदगी भर की कमाई थी। उनके खाते से ये रुपए 21 अक्टूबर को रांची के केनरा बैंक के रातू ब्रांच से चेक के माध्यम से निकाला गया है। उन्हें इनकी जानकारी होने पर उन्होंने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। प्यारे कश्यप ने पुलिस को बताया कि उनका खाता सांची के SBI में है। जब भी बैंक जाती थी तो बैंक कर्मियों के द्वारा उन्हें बताया जाता था कि खाते में KYC करवाना पड़ेगा, इसके बिना खाते से लेनदेन नहीं होगा। फिर उनके खाते से 9 लाख रुपए कैसे निकाल लिए गए, उन्होंने बैंक कर्मी की मिलीभगत की भी बात कही है। श्रीमती प्यारी कश्यप, उनके अकाउंट से 9 लाख रुपया फर्जी चेक के द्वारा निकल गया है। तो कांड अभी दर्ज किया गया है और पुलिस अनुसंधान कर रही है। ये आपका 21 अक्टूबर की बात है और 18 अक्टूबर को उनका टीजी सीन होने के कारण उसका मोबाइल डेड पड़ गया था और बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की मतलब कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई सूचना नहीं दी गई और पोस्ट चेक के माध्यम से 21/10 को 9 लाख रुपया उसके अकाउंट से निकल। शुक्रवार को जब प्यारी कश्यप मेरी जो सास लगती है वो खाता को अपडेट करने गई, तब पता चला कि उसे मैं 9 लाख रुपये की।